गाली नहीं मारते हैं तो. अरे अली, हाउ आर यू माय डियर? वाओ, सो नाइस. तो मैं आप लोगों को, आई थिंक टू वार्म यू अप, मैं एक जोक सुनाऊं आप लोगों को. नो नो, दिस इज अ डेड ऑडियंस. एक राजा अपने दरबार से अचानक जल्दी अपने महल में पहुंचा. अपने महल में जाकर उसने देखा उसकी जो रानी थी वो महल के पूजा पाठ करने वाले पंडित के साथ मोहब्बत कर रही थी. यू नो, यानी मेकिंग लव. राजा फौरन खिड़की के पास गया और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा. ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती माँ भागी विद्या कमलोचनी. पंडित ने आश्चर्य से पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? राजा बोला, कुछ नहीं पंडित जी, आप मेरा काम कर रहे हैं, मैं आपका काम कर रहा हूं. तो राजा ने कहा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी ने कहा, तो राजा ने कहा, देखो भाई, अगर मेरी पतिव्रता रानी आपके साथ इश्क फरमा सकती है तो कुछ भी हो सकता है. तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है. एक लड़का, ताली मार सकते हो, आपका ताली मारने का दिल कर रहा है. एक लड़का रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार करके स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है. 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है. और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है. मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में. मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे. मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है. तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए. वहां मेरा जन्म हुआ. मेरे जन्म के वक्त पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ माँ थी. अब माँ को तो रहना था, वरना मुझे जन्म कौन देता. तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ के आंचल में दिया, माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में दो आंसू और मुंह से दो शब्द निकले, मेरा बिट्टू. इट इज क्लियर यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन. माँ ने फिर पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा और अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन, प्लीज 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 कैन आई अडॉप्ट योर सन. माँ ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए. किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था. मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था. ये मेरी कहानी, ये मेरी लाइफ की शुरू की कुछ बातें. और मुझे लगता है कि आप जितने भी यहां बैठे हैं उनकी सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसको मैं आज कह सकता हूं कुछ भी हो सकता है. मोनिका जी नमस्ते. कुछ भी हो सकता है का कॉन्सेप्ट आज से 12 साल पहले मेरी जिंदगी में आया. मैं एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा था. मैं एक टीवी टाइकून बनना चाहता था. मेरे 7-8 शोज टीवी पर चलते थे. मैं बहुत पैसा उधार लेता था और उधार का पैसा जो वापस करना था उस पर वो ब्याज पे, तो मैं ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया था 12 साल पहले. फिर इस दौरान मेरे चेहरे को